मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 8-9 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारी दुनिया की वित्तीय संस्थाएं कह रही हैं, भारत का नीति आयोग इस बात को कह रहा है। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई कभी, उस काम को करने का जो मुहिम प्रारंभ किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उसको काफी हद तक उन्होंने पूरा किया। जहां तक समाज कल्याणकारी योजनाओं का, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का प्रश्न है, मैं आज आपको यह कहने के लिए आया हूं, मंत्रिमंडल का एक सदस्य होने के नाते, पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, और इसलिए भी विश्वास दिलाने आया हूं, जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार हुआ है उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही था। घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा है, बहुत सोच समझ कर लिखा है। हमारा ये चरित्र है कि हम जो कहते हैं वह हम करते हैं, हमने करके दिखाया है। मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, 10 से लेकर 15 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में कोई भी गरीब शेष नहीं बचेगा, यह मोदी की पक्की गारंटी है। इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा आगामी 5 से लेकर 5 वर्षों के अंदर जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो। एक परिवार शेष नहीं बचेगा जिसके घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। एक परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में माताओं बहनों को LPG गैस सिलेंडर के माध्यम से खाना बनाने का अवसर न मिल जाए। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत की सुविधा हमारे प्रधानमंत्री ने आप सबको मुहैया कराई है, लेकिन आयुष्मान भारत की सुविधा आपको किस हद तक मिल रही है उसके बारे में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार बीजू जनता दल की सरकार रही है, हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार होती तो मैं कह देता, जो लोग भी आयुष्मान भारत का कार्ड पाने के लिए जो पाने के योग्य थे उनको प्राप्त हो गया है। लेकिन आज मैं दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि बीजू जनता दल की सरकार है। मैं आज आपको यकीन दिलाने आया हूं कि जो लोग आयुष्मान भारत का कार्ड पाने के लिए अधिकृत हैं बहनों भाइयों, हमारी यहां पर उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बना दीजिए, एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो कि आयुष्मान कार्ड पाने का अधिकारी है, उसे आयुष्मान कार्ड प्राप्त न हो जाए। अभिवादन करने के लिए मैं आपका आग्रह करता हूं, और मैं ऐसे व्यक्ति की जय। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।